प्रेरणा कथा गृहिणी, उसका नाम स्टेला स्मिथ था। वो केरला के एक छोटे से शहर में रहती थी। वो एक उच्च वर्गीय परिवार में पली बड़ी हुई थी। उसकी सिर्फ एक बड़ी बहन थी, कोई भाई नहीं था। स्टेला बहुत ही सुंदर और मासूम थी। बड़ी होने के बाद वो और भी खूबसूरत हो गई। स्टेला और उसकी बड़ी बहन ने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई की थी। उनके पिताजी एक इंजीनियर थे। रहने के लिए उनके पास एक बहुत बड़ा बंगला था, जिसके चारों तरफ एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। स्टेला और उसकी बहन को पहनने के लिए नए नए महंगे कपड़े मिलते थे। वो पिकनिक मनाने के लिए अच्छी अच्छी जगहों पर जाते थे। इतना सब कुछ होते हुए भी स्टेला खुश नहीं थी। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, जो चाहती थी सब मिल जाता था, पर उसके पास स्वतंत्रता नहीं थी। उसके और उसकी बहन के सभी निर्णय उनके माता पिता ही लेते थे। उनके लिए जो भी चीज़ें खरीदी जाती थी वो माँ बाप की पसंद की ही होती थी। इस कारण से स्टेला बड़ी होने के बाद निराश रहने लगी। उसके माँ बाप को कभी यह मालूम नहीं चला कि उनकी बेटी स्टेला क्यों निराश रहती थी। वो उसको हर तरह से खुश रखने का प्रयास करते थे, पर वो खुश नहीं होती थी। दूसरी तरफ स्टेला की बड़ी बहन रेबेका का हमेशा खुश रहती थी, क्योंकि उसका माता पिता से हमेशा ही ज़्यादा प्रेम मिला था। वैसे तो स्टेला की तरह सुंदर नहीं थी, पर वो अपनी हर मांग पूरी करवाने के लिए रोने लग जाती थी। वो अपने रोने से ही माँ बाप को एक तरह से ब्लैकमेल करती थी। बेचारी स्टेला बहुत ही मासूम थी। एक दिन वो स्कूल से वापस आ रही थी, रास्ते में अपनी सहेली के घर चली गई। उसकी मम्मी ने उसको देख लिया। लगभग आधे घंटे के बाद स्टेला घर वापस आ गई, परंतु उसकी माँ ने उस दिन स्टेला को खूब पीटा। उसकी माँ ने आरोप लगाया कि स्टेला का उसकी सहेली के भाई और सहेली के पिता से चक्कर चल रहा था। बेचारी स्टेला को तो ये भी नहीं मालूम था कि उसकी सहेली का कोई भाई भी था और उसके पिता घर पर थे। उसने अपनी माँ को समझाना चाहा, परंतु माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। माँ बाप के बंधन में रहकर स्टेला ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। हालांकि उसको इतने अच्छे अंक नहीं प्राप्त हुए थे। जब वो कॉलेज में पढ़ने गई, उसको उसके माता पिता ने कभी भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं दिया। वो उसको किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने देते थे। स्टेला को नाचना, अभिनय करना और खेलना अच्छा लगता था, परंतु उसके मम्मी पापा उसको इन सब चीज़ों की अनुमति नहीं देते थे। एक दिन उसके कॉलेज के प्रधानाचार्य ने स्टेला को बुलाकर कहा, स्टेला, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छा नृत्य करती हो। तुम्हारी चाची का लड़का तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता है। आज हमारे स्कूल को प्रतियोगिता में भाग लेना है। हमारी मुख्य नृत्यकी आज बीमार है, तुम उसके स्थान पर नाचना होगा। तुम मेरे बेटे के साथ घर जाओ और जल्दी से अच्छे कपड़े पहनकर वापस आ जाओ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। यह सुनकर स्टेला बहुत ही खुश हो गई। प्रधानाचार्य का बेटा स्टेला से 3 बरस छोटा था। स्टेला को पूरा विश्वास था कि अपने से छोटे लड़के के साथ घर जाने पर उसकी माँ कुछ भी नहीं कहेंगी, लेकिन घर पहुँचते ही उसकी खुशी गायब हो गई। उसकी माँ ने उसको फिर से पीटा और उसको गालियाँ दी और बुरे चरित्र की लड़की तक कह दिया। माँ ने उसका संबंध उस छोटे लड़के तक से जोड़ दिया और स्टेला को बहुत देर तक बुरा भला कहती रही। माँ ने स्टेला को प्रतियोगिता के लिए नहीं भेजा। स्टेला बेचारी को कुछ भी नहीं समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। कोई भी उसको नहीं समझता था। एक दिन उसके डैडी का दफ्तर में कुछ झगड़ा हो गया। उनको पीटने और जान से मार देने की धमकी प्राप्त हुई। स्टेला अपने पिताजी से बहुत प्रेम करती थी, हालांकि वो अपने ही घर में खुश नहीं थी। कुछ दिनों में पड़ोस के एक अंकल ने उसके डैडी की समस्या सुलझा दी। स्टेला बहुत खुश हुई। एक शाम जब स्टेला अपने बगीचे में बैठी थी, उसने अपने पड़ोस के अंकल को देखा। वो अंकल की तरफ देखकर मुस्कुराई। वो अंकल की आभारी थी, क्योंकि उन्होंने उसके डैडी को धमकी से बचाया था। उसके डैडी ने स्टेला को हंस हंस कर अंकल से बातें करते देख लिया। शाम को उसके डैडी ने उसकी बहुत पिटाई की, यहाँ तक कि उसका सर दीवार पर पटक दिया। स्टेला फिर से निराश हो गई।
अब स्टेला के लिए ये सब सहना मुश्किल हो गया। उसके मम्मी डैडी हर उस लड़के आदमी से उसका संबंध जोड़ देते थे जिससे भी वो हंसकर बात तक भी कर लेती थी। एक दिन उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की पर उसको बचा लिया गया। उसके मम्मी पापा को अब भी ये ज्ञात नहीं हुआ था कि वो क्यों निराश थी। एक दिन जब उसके चाची के लड़के की शादी थी, स्टेला ने अपने मम्मी पापा से कहा कि वो घर में ही रहना चाहती थी, वो घर में रहकर पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके मम्मी पापा ने उसकी बात नहीं मानी। बेचारी स्टेला के मन की बात को कोई भी नहीं समझता था। डरते डरते और अपनी निराशा के साथ किसी तरह उसने स्नातक की परीक्षा पास कर ली। उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी एक ऐसे पुरुष से कर दी जो उसके अंकल की उम्र का था। वह एक इंजीनियर था परंतु वो कुरूप था, वो गांव से था, इसलिए बहुत ही अभद्र व्यवहार करता था। शादी के बाद उसके पति ने उसके साथ अपने गुलाम की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो उसके लिए कभी भी कुछ खरीद कर नहीं लाता था। वो स्टेला को कभी भी बाहर घुमाने नहीं ले जाता था। छोटी छोटी गलतियाँ पर वो स्टेला को पीटता था। स्टेला ने बहुत बार अपने माँ बाप को ये सब बताने की बहुत प्रयास किए पर कोई लाभ नहीं हुआ। उसने अपनी बड़ी बहन और अपने जीजाजी को भी ये सब बताने की कोशिश की पर सब ने कहा कि यह उसके भाग्य में ही लिखा था। स्टेला ने भी उसको अपना भाग्य ही मान दिया। अपनी चाची के सहयोग से स्टेला ने किसी तरह एमए भी पास कर लिया। एक दिन वो अपने एक पुराने मित्र से मिली। उसके मित्र ने उसकी दुख की कहानी सुनी और उसको विरोध करने की सलाह दी। उसके मित्र ने स्टेला को इंटरनेट पर एक ऑनलाइन काम भी दिलवा दिया। स्टेला ने ऑनलाइन विदेशी लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया और पैसे कमाना शुरू कर दिया। उसका पति उसके पैसे भी खींच लेना चाहता था पर अब स्टेला सावधान हो गई थी। स्टेला अब स्वतंत्र थी, अपने पैसे कमाती थी और अब वो अपने पति की भी नहीं सुनती थी। जिन जिन लोगों ने जीवन में उसको दुख दिया था और उसका अपमान किया था, वो एक एक करके सबको उनकी भाषा में ही जवाब देने लगी। एक दिन उसने अपने पति से तलाक ले लिया और किराए के एक अलग घर में रहने लगी। उसने अपने माँ बाप के घर जाना भी छोड़ दिया। उसने अपने ऑनलाइन काम के साथ ही एक छोटा सा एक कमरे का ट्यूशन सेंटर भी खोल लिया और 10वीं कक्षा के छात्रों को अर्थशास्त्र और अंग्रेजी पढ़ाने लगी। 3 वर्ष दिन रात काम करने के बाद उसने इतने पैसे कमा लिए कि अपना घर खरीद लिया। उसने अपनी कार भी खरीद ली। अब उसका ट्यूशन सेंटर बड़ा हो गया था और उसने 3 टीचर भी रख लिए थे। स्टेला की मुलाकात एक बहुत अमीर व्यापारी से हुई। दोनों में प्रेम हो गया पर स्टेला ने उस व्यक्ति से इस शर्त पर शादी की कि वो अपने घर में रहेगी और उसके घर में भी रहेगी। शादी से पहले ही उसने अपने पति से ये कह दिया था कि वो अपने ऑनलाइन काम और ट्यूशन सेंटर के काम को करती रहेगी। उसके पति ने उसकी बात मान ली। अब स्टेला दिन भर अपने घर में रहती है और अपना ट्यूशन सेंटर चलाती है। कुछ ही दिनों में उसका अपना स्कूल भी शुरू होने वाला है। वो दिन भर अपने घर में रहती है। उसके पति दिन का खाना स्टेला के घर में खाते हैं। शाम को दोनों उसके पति के घर में जाते हैं जहाँ वो दोनों रात का खाना खाते हैं। उस घर में 5 नौकर हैं। वो रात भर अपने पति के घर में रहती है और अगली सुबह नौकरों को सभी काम समझा कर अपने घर वापस आ जाती है और अपना काम करती है। बहुत ही अजीब सा संबंध है स्टेला और उसके पति के बीच में, पर दोनों ही बहुत खुश हैं। स्टेला ने अपने जीवन को अपने ढंग से ढाल लिया है और वो बहुत ही खुश है। वो बचपन के सभी दुखों को भूल गई है। उसके मम्मी पापा उसको बहुत बार फ़ोन करते हैं पर स्टेला कभी भी उनके फ़ोन नहीं उठाती है। पर वो अपनी बड़ी बहन और उसके पति से खूब मिलती है और उनके साथ घूमने फिरने भी जाती है। मित्रों, अगर औरत चाहे तो वो अपने जीवन को अच्छा बना सकती है। बस थोड़े से परिश्रम की आवश्यकता होती है, जरा से साहस से और संकल्प से औरत चाहे तो जैसे चाहे अपने जीवन को ढाल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।